एक दुकान में मैं खरीदारी कर रहा था, तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 5 से 6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं है? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं है। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था, मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वह गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई थी। मेरी बहन भगवान के घर है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्द ही भगवान से मिलने जाने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ लेकर जाए, मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया था। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाए, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करे। फिर उसने मुझसे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वो खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे, यही नहीं कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतना ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी 6 साल की बेटी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह इस परिवार इसी छोटे लड़के की ही थी? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए गए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वह फ़ोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से सब कुछ छीन लिया था।
इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहती हूँ, कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।